हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोग अपने कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर की सीरीज कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह दे दिए थे। तो अब हम अपने लास्ट लेक्चर, ठीक है, जो कि एक म्यूजिक्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर है, उसके ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, आज हमने म्यूजिक फॉर्म्स जितनी भी हैं जम्मू कश्मीर की, हमने उनके बारे में पढ़ना है, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि स्पेशल रेफरेंस पे है जम्मू कश्मीर के, हमने उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डांस फॉर्म्स वगैरह पढ़ लिया था सारा का सारा। ठीक है, और हमने जितने भी डांस फॉर्म्स थे, मैंने आपको कुछ बताया था कि कुछ डांस फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि स्पेशली रिलेट की गई हैं म्यूजिक्स के साथ। ठीक है, जो कि मतलब कहते हैं गाना गाना और डांस करना, जो म्यूजिक और डांस की पूरी पूरी रिलेटेड फॉर्म है। ठीक है, उनके बारे में भी आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट हमने सारे के सारे लेक्चर्स आपको करवा दिए थे। अब हमारा लास्ट लेक्चर आता है म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो पहली म्यूजिक फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कौन सी आ जाती है, चक्री। कौन सी आती है बच्चे, चक्री। ये जो चक्री डांस फॉर्म है, ये म्यूजिक फॉर्म है, चक्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक। ये बहुत ज़्यादा पुरानी और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिकल ट्रेडिशनल फॉर्म है। इट इज़ प्लेड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हारमोनियम, रबाब, सारंगी, नोत, जीजर और ये चिमटा वगैरह से ये परफॉर्म की जाती है। ठीक है, ये जो चक्री है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म मानी जाती है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे कि हारमोनियम हो गया, रबाब हो गया, सारंगी हो गया। ठीक है, इट इज़ परफॉर्म्ड इन फोक एंड रिलीजियस फेयर्स। ठीक है, फोक फेयर्स में भी और रिलीजियस फेयर्स में भी चक्री को परफॉर्म किया जाता है बाय मुस्लिम्स एंड कश्मीरी हिंदूज। ठीक है, जो हिंदू जैसे कश्मीरी पंडित से वो भी इनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली रिलीजन का मतलब कहते हैं ना डांस फॉर्म, म्यूजिक फॉर्म वैसा नहीं है ये, मतलब हिंदूज भी परफॉर्म करते हैं और कश्मीरी मुस्लिम्स भी परफॉर्म करते हैं। चक्री वॉज ऑल्सो यूज टू टेल द स्टोरीज लाइक फेरी टेल्स। ठीक है, जब फेरी टेल्स वगैरह मतलब कहते हैं ना प्रोग्राम्स वगैरह होते थे जिसमें फेरी टेल्स बतानी होती थी, तो उसमें भी स्टोरीज को बताने के लिए या फेमस लव स्टोरीज को बताने के लिए भी ये चक्री परफॉर्म की जाती है। उसमें जैसे लव स्टोरीज होगी यूसुफ सुलखा की, फिर मुजनिम की, इन सब की जो इंपॉर्टेंट मतलब लव स्टोरीज थी उनको भी दिखाने के लिए चक्री जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। चक्री की जो सबसे ज्यादा खास बात आती है कि ये जब पूरा मतलब ये जो म्यूजिक फॉर्म है ये एंड होती है विद द रोफ। ठीक है, जो रोफ डांस फॉर्म के साथ ही ये एंड होती है, मतलब जब चक्री का पूरा प्ले चल रहा है उसमें एंड में जो होगा रोफ जो होता है, जब रोफ हो जाता है तो उसके बाद ये खत्म होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिना लाइट। ठीक है, जिसको हम मेंजी रात भी कहते हैं, जो कि वेडिंग्स की, ये उसके लिए उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजिकल फॉर्म जो है हमारे जम्मू कश्मीर की वो कौन सी आ जाती है, चक्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है ट्रेडिशनली भी, और मतलब पूरे हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा दिखाती है, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि हारमोनियम हो गया, रुबाब हो गया, सारंगी हो गया, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें प्ले किए जाते हैं। ठीक है, और ये खाली कश्मीरी मुस्लिम्स का ही नहीं हिंदूज का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट म्यूजिकल फॉर्म है, जो कि लव स्टोरीज वगैरह जैसे लैला मजनू की होगी, यूसुफ सुलंका की होगी, इन सब की इंपॉर्टेंट जो लव स्टोरीज है उनको दिखाने के काम आता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो म्यूजिक की फॉर्म है इसमें एंड में क्या परफॉर्म किया जाता है, रोप डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ये मेहंदी रात वगैरह जो होती है जिसको हीना नाइट कहते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा कहते हैं ना इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही रोप डांस, जो चक्री म्यूजिक और रोप डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट म्यूजिक की तरफ, तो वो आ जाता है हमारा सूफियाना म्यूजिक। ठीक है, ये जो सूफियाना म्यूजिक, सूफी संतों वाला म्यूजिक, ठीक है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। सूफियाना कलाम इज द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर। ये क्लासिकल म्यूजिक है हमारे कश्मीर का। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लासिकल म्यूजिक, जो कि टर्म पूरी की पूरी रिकोगनाइज की गई है, क्लासिकल म्यूजिक कौन सा है हमारे कश्मीर का, तो उसमें आएगा सूफियाना म्यूजिक, जिसके अपने ही राग होते हैं जिसको हम मकाम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो राग्स होते हैं जिनको हम लोग मकाम भी बोलते हैं, इसमें मतलब संतूर वगैरह का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कश्मीरी साज जो कि वो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके बाद मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना है। ठीक है, संतूर हो गया, कश्मीरी साज हो गया, ठीक है, सितार हो गया, वजूल, इन सबको यूज़ किया जाता है। ठीक है, द डांस बेस्ड ऑन द सूफियाना कलाम इज हफीज नगमा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि जो चक्री है उसमें रोफ डांस का यूज़ होता है, ठीक है, उसी तरीके से जो सूफियाना म्यूज़िक है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, हफीज नगमा। ठीक है, ये जो सूफियों की मौसीकी जो थी ये कश्मीर में आई थी, कहाँ से, ईरान से। ठीक है, यानी कि जो सूफियाना म्यूज़िक है जो ये कहाँ से आया है, ईरान से, और कब आया है ये, 15th सेंचुरीज़ में। ठीक है, अब
कुछ फैमिलीज़ हैं कश्मीर की जो कि आज भी इसको कंटिन्यू करके बैठी हैं, लेकिन मतलब अब इतना मतलब अगर मैं बात करूं कि हर एक बंदा इसको कंटिन्यू नहीं कर पाता, जो कि बड़े बड़े उस्ताद थे उन्होंने इसको आगे भी कंटिन्यू किया हुआ है, जैसे कि आ जाते हैं उस्ताद गुलाम मोहम्मद, ठीक है, उस्ताद गुलाम मोहम्मद साज नवाज़, उस्ताद अब्दुल गनी नमस्थाली, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट म्यूजिशियंस हैं हमारे कश्मीर के, ठीक है, जिन्होंने सूफियाना म्यूज़िक को बहुत ही ज़्यादा एक अपनी हाइट पे लिया है, ठीक है। अब कुछ मतलब अगर आपको इम्पॉर्टेंट में आ सकता है कि ये कौन सा म्यूजिशियन जो है वो किस म्यूज़िक फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सूफियाना म्यूज़िक के ही पूछे जाएंगे, और तो ज़्यादा इतने ज़्यादा नहीं पूछने वाले आपको। तो अगर हमें सूफियाना ये जो पूरी स्लाइड है इसकी बात करता हूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा आ जाता है, पहला कि ये क्लासिकल म्यूज़िक फॉर्म है हमारे जम्मू कश्मीर की, ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर की जो क्लासिकल फॉर्म है वो सूफियाना को ही कंसीडर किया जाता है, इसमें संतूर कश्मीरी साज वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो डांस बेस, मतलब लास्ट में इसके डांस कौन सा होता है, तो वो हो जाता है हफीज़ नगमा, ठीक है, हफीज़ नगमा जब डांस फॉर्म परफॉर्म की जाती है तो उसमें म्यूज़िक जो है वो सूफियाना यूज़ होता है, ये ईरान से आया हुआ है, ठीक है, ये जो म्यूज़िकल फॉर्म है हमारे कश्मीर में ये ईरान से लाया गया है और ये 5th सेंचुरी में यहाँ पर आया था, ठीक है। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो म्यूजिशियंस हैं सूफियाना म्यूजिक के जो म्यूजिशियंस हैं उनका भी नाम आपको बता दिया है सारा का सारा, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट्स वगैरह मारने स्क्रीनशॉट मार लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट थे मैं वही लेके आया हूं इन डांस फॉर्म्स में आपके लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट आ जाता है हमारा बक म्यूजिकल फॉर्म, ठीक है, ये एक ऐसा नरेटिव है, ठीक है, ये चोरस नरेटिव में गाया जाता है जिसमें ग्रुप में इसको गाया जाता है, ठीक है, जिसमें 10 से ज़्यादा सिंगर्स वगैरह बैठते हैं, उनके अलग अलग अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। द फोक सॉन्ग इज़ अ वाइडली प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ मास एंटरटेनमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का सोर्स माना जाता है हमारा बक म्यूजिक। द हॉन्टिंग मेलेडी ऑफ द पहाड़ी सॉन्ग्स टू बी द ब्यूटी एंड द जॉय, ठीक है, अब जो पहाड़ी सॉन्ग्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफाई करके रख देते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इस पूरे के पूरे मतलब ये जो होता है बस बक म्यूजिक जो है इसकी खूबसूरती बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम करते हैं। देर आर सर्टीन सॉन्ग्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, बखान इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि कौन सा ऐसी डांस फॉर्म जो है वो इंस्ट्रूमेंट से अपने मतलब अलग मानी जाती है, ठीक है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें जो यूज होते हैं, लेकिन इसमें जो बखान है, ठीक है, इसी की एक फॉर्म है उसको, मतलब बक म्यूजिक की एक फॉर्म है बखान, उसमें आपको म्यूजिक मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कहते हैं ना एक म्यूजिक फॉर्म चल रही है उसके आगे भी सब फॉर्म्स आती हैं, तो बखान जो है उसकी एक सब फॉर्म है जिसमें आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मतलब 3-4 वो बंदे मतलब 8-10 बंदे बैठेंगे, ठीक है, उसके बाद ये सॉन्ग्स वगैरह गाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्वात्री, इट इज़ द सिंगिंग डांस कंबाइंड ट्रेडिशन, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मैं कुछ ऐसी वीडियोस लेके मतलब कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स बताऊंगा या फिर म्यूजिक फॉर्म्स बताऊंगा जिसमें म्यूजिक और डांस दोनों कंबाइन आता है, तो इसमें ग्वात्री जो है वो उसी की एग्जांपल है। इट इज़ अ सिंगिंग डांस कंबाइंड ट्रेडिशन इन विच द सिंगर नरेट सम टेक्स्ट विच इज इनेक्टेड बाय द ग्वात्री डांसर्स, ठीक है, ये लोग नरेट वगैरह करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ही जो डांसर्स होते हैं वो पूरे के पूरे डांस स्टेप जो है उसको फॉरवर्ड और परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जैसे बाकी अगर मैंने डांस फॉर्म्स का बताया कि किसका जिसका रोफ है, ठीक है, तो रोफ जो है वो एक अलग डांस फॉर्म है, उसके जो म्यूजिक है वो अलग लगता है इसमें, लेकिन ये जो ग्वात्री है इसमें ग्वात्री डांसर्स ही होते हैं और ग्वात्री म्यूजिक ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आगे करते हैं लाडिशा, ठीक है, लाडिशा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कश्मीरी म्यूजिक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कश्मीर के म्यूजिक का। लाडिशा इज़ अ सेक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना मतलब प्योर और मतलब पूजनीय जिसको कंसिडर किया जा सकता है। द सॉन्ग आर संग टू द प्रेजेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द अटरली ह्यूमरस, ठीक है, देखो यार ये ऐसी एक डांस फॉर्म होती है जो कि सोशल प्रॉब्लम्स जो होती है उनको दिखाती है, जैसे किसी एरिया में गए, ठीक है, रैंडमली ये किसी एरिया में जाएंगे, उसके बाद ये वहाँ की जो सोशल कंडीशंस जैसे जिस तरीके से चल रही हैं उसके बारे में बताते हैं और नरेट करते हैं, ठीक है। द सिंगर्स मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज परफॉर्मिंग जनरली ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग पीरियड, ठीक है, इंपॉर्टेंट आता है कि ये कौन से टाइम पे ये परफॉर्म किया जाता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है हार्वेस्टिंग पीरियड में, ठीक है। द सॉन्ग्स आर कंपोज्ड ऑन द स्पॉट ऑफ द इशू रिलेटेड टू दैट ऑफ द विलेज, ठीक है, उस जिस भी विलेज में जाएंगे वहां पे जो इश्यूज चल रहे होते हैं ना उन्हीं को मतलब पूरा मद्देनजर रखते हुए
उसके ऊपर सॉन्ग्स वगैरह बनाते हैं और उसको पूरा का पूरा परफॉर्म करते हैं. द सॉन्ग रिफ्लेक्ट्स द ट्रुथ एंड द समटाइम्स मेक्स द सॉन्ग अ बिट हार्ड टू डाइजेस्ट. ठीक है, कभी कभी कहते हैं कि इतनी ज़्यादा सच्चाई बोल देते हैं ये कि लोग जो होते हैं ना कभी कभी काफ़ी ज़्यादा भड़काऊ भी हो सकता है ये. ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं कि जो कंडीशंस चल रही हैं गाँव के उसी के ऊपर लेके बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जो लाडी शाह के मतलब ये जो लाडी शाह परफॉर्म करते हैं जो लोग वो कौन से सीजन में करते हैं, तो वो करते हैं हार्वेस्टिंग सीजन में. ठीक है, और ग्वात्री वाले में मैंने बता दिया आपको कि ये ऐसी डांस फॉर्म है जिसका अपना ही एक म्यूजिक है और अपने इसके डांसेस वगैरह होते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाकी जो डांस फॉर्म्स हैं उसमें बाकी जो म्यूजिक फॉर्म्स हैं उसमें डांस वगैरह अलग अलग परफॉर्म किए जाते हैं, डांसर्स अलग डांस फॉर्म्स को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो ग्वात्री डांसर्स हैं वो ग्वात्री म्यूजिक पे ही सिर्फ डांस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब आ जाता है करक. ठीक है, इट इज़ अ टेल बैलेट ऑफ द सिंगिंग फॉर्म संग बाय कम्युनिटी कॉल्ड जोगीज. ठीक है, जो जोगीज गाते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट ये आता है कि जो करक डांस फॉर्म है, करक डांस फॉर्म है, उसको कंटिन्यू किसने किया हुआ है, तो उसको कंटिन्यू किया हुआ है जोगीज ने. ठीक है, दे नरेट अ पॉपुलर फोक टेल इन देयर डांस स्टाइल. ठीक है, ये पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फोक टेल जो है उसको नरेट करते हैं अपने डांस स्टाइल पे, एंड इज परफॉर्म बाय 3 मेंबर्स विद अकंपनीड विद अ टिपिकल फोक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रबाब. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें जो करक डांस फॉर्म है उसमें कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है रबाब, और इसको परफॉर्म करता है जोगीज. ठीक है, जोगीज इसको परफॉर्म करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं रबाब. ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉन्ग ऑफ हब्बा खातून. ठीक है, हब्बा खातून जो थी उनको नाइटन गेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है. ठीक है, उनको नाइटन गेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है. हब्बा खातून वॉज अ रिनाउंड प्रिंसेस ऑफ कश्मीर. ठीक है, ये राजकुमारी थी वहाँ के. हर फीलिंग्स ड्यूरिंग हर सेपरेशन फ्रॉम द किंग्स यूसुफ इज डिस्पेक्टेड इन द सॉन्ग. ठीक है, जब वो कहते हैं अलग हुए थे यूसुफ से. ठीक है, जो प्रिंस यूसुफ थे तो उस किंग यूसुफ से उनकी पूरी लव स्टोरी को इसमें दर्शाया जाता है. ठीक है, और ये तो ऐसे भी बहुत मतलब कहते हैं बहुत ही ज़्यादा मानी हुई सिंगर मानी जाती हैं. ठीक है, इनको तभी तो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है. अब हम बात करते हैं हंजिया की. ठीक है, हंजा इज अ ट्रेडिशनल एंड द एंशियंट फॉर्म ऑफ सिंगिंग विच इज प्रैक्टिस्ड बाय द कश्मीरी पंडित्स. ठीक है, ये कश्मीरी पंडित्स ही परफॉर्म करते हैं खाली. ठीक है, हंजिया जो है ऐसा म्यूजिक का फॉर्म है जिसको सिर्फ कश्मीरी पंडित्स परफॉर्म करते हैं जब इनके फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं. इट अपेयर्स टू हैव फीचर्स दैट सजेस्ट इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कश्मीरी फोक सिंगिंग. ठीक है, इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कश्मीरी ओल्ड सिंगिंग के भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इस स्लाइड की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हमने बात की थी करक की, जिसको कौन परफॉर्म करता है, जोगीज परफॉर्म करते हैं, और किस इंस्ट्रूमेंट के साथ परफॉर्म करते हैं, तो वो करते हैं रबाब के साथ परफॉर्म. ठीक है, उसके बाद हबा खातून की बात करते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, तो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जो है वो हबा खातून को कहा जाता है. और ये किसकी मतलब किनकी लव स्टोरी के ऊपर होता है, एक मतलब ये जो हबा खातून है उनकी, और जब ये किंग यूसुफ से सेपरेट हुए थे उनकी लव स्टोरी के ऊपर ये पूरा का पूरा सॉन्ग्स हैं. फिर उसके बाद आता है हंजिया, जिसको हम ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कश्मीरी फोक सिंगिंग भी कहते हैं, जो किसका है, सिर्फ कश्मीरी पंडित्स का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब आ जाता है हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड देयर मैंशन इन द अर्लीस्ट टेक्स्ट लाइक निलमत पुराण, जो कि हमारे कश्मीर की एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक है जिसमें हमारी कश्मीर की हिस्ट्री वगैरह जो है वो सारी की सारी बताई गई है. और उसके बाद आ जाती है राजा तरंगनी, जिसको किसने लिखा है, कल्हाना पंडित ने. ठीक है, ये निलमत पुराण पनीमी द्वारा लिखी गई है. ठीक है, ये सारे के सारे इसमें ना पूरा का पूरा बताया हुआ है कि हमारे जो हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे, ठीक है, म्यूजिक वगैरह, उनका जिक्र तो इन दोनों बुक्स में भी है. द वेरी फैक्ट दैट इट वॉज अ कश्मीरी अभिनव गुप्ता द ग्रेट फिलोसोफर हु रोट कमेंट्री कॉल्ड अभिनव भारती. ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी अभिनव भारती ऑन भारत नृत्य शास्त्र. ठीक है, शोज हाउ मच इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू द म्यूजिक ऑफ द एंशियंट टाइम्स. ठीक है, इन्होंने बुक अपनी जो लिखी थी उसमें क्लियरली बताया है कि कितना ज़्यादा म्यूजिक को इंपॉर्टेंस वगैरह दी गई है हमारे कश्मीर में. द फेवरेट ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट इज़ द संतूर. जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका इंस्ट्रूमेंट होता था वो संतूर होता था, और जो कि यूज़ किया जाता था गॉडेस शारदा को मतलब खुश करने के लिए, या उनकी आराधना में उसको यूज़ किया जाता था. ठीक है, गॉडेस शारदा जो थी वो माना जाता था कि जो कश्मीर में ही रिसाइड करते थे, तो
उनको खुश करने के लिए ये संतूर का इस्तेमाल वगैरह किया जाता था। ठीक है, अब ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आता है द वेरी फैक्ट दैट इट वॉज अ कश्मीरी अभिनव गुप्ता ग्रेट फिलोसोफर, जिन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, अभिनव भारती। ठीक है, तो नाम इनका आ सकता है कि किसने अभिनव भारती जो है वो बुक लिखी है। ठीक है, और ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया गया है वो कौन सा किया गया, संतूर, जिस जो किनके लिए यूज़ किया जाता था, माता शारदा के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की इंपॉर्टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ ये आ जाती है हमारी लास्ट फॉर्म जो कि है हफीज नगमा। दिस इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर सूफियाना कलाम। ठीक है, हफीज नगमा जो है वो सबसे ज्यादा मतलब जो हमारी डांस फॉर्म थी, ठीक है, ये किसके ऊपर आती थी, सूफियाना म्यूजिक पे बनाई जाती थी। ठीक है, द सूफियाना कलाम इज has its own राग known as मकाम। ठीक है, इसको मकाम भी कहा जाता था, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये उसी के मतलब प्रिंट्स वगैरह आए हैं कि मकाम वगैरह कहा जाता था। अब हफीज़ नगमा यूज़ की जाती थी संतूर के साथ, जिसको बहुत सारे स्ट्रिंग्स में परफॉर्म किया जाता था, और ये किस में यूज़ की जाती थी, सूफियाना कलाम में। ठीक है, जो सूफियाना कलाम वाली मैंने आपको स्लाइड पढ़ाई थी उसी का ये पार्ट है कि जो हफीज़ नगमा जो है डांस फॉर्म वो इसमें यूज़ की जाती थी, और ये इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते थे, संतूर वगैरह यूज़ किए जाते थे। ठीक है, द डांस परफॉर्म्ड इन दिस ट्रेडिशन इज नोन एज हफीज़ा। ठीक है, हफीज़ा डांस परफॉर्म मतलब जो इनका ट्रेडिशन है, हफीज़ा डांस स्टाइल जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारे म्यूजिक्स ऑफ जम्मू कश्मीर, जो मैंने जो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट म्यूजिक्स थे हमारे जम्मू कश्मीर के सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम जाते हैं किसके ऊपर, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि बहुत ही फेमस थे हमारे जम्मू कश्मीर में, हमने उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ 8-10 ही आएंगे, और ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट हैं वही मैं बता रहा हूँ, जो कि हिस्टोरिकल लिंक से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, और हमारे कल्चर के हिसाब से भी। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाता है हमारा सितार। ठीक है, द कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ बिट बिग इन साइज एंड 7 स्ट्रिंग्स फिटेड विद द हुक। ठीक है, 7 स्ट्रिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो 7 स्ट्रिंग्स से फिटेड होता है बाय अ हुक, इज ऑल्सो नोन एज मिजराब। ठीक है, ये जो सितार है, ठीक है, इसको कश्मीरी भाषा में मिजराब भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि जो सितार है उसको कश्मीरी भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मिजराब। ठीक है, ये मैंने एग्जाम इसकी फोटो वगैरह दे दी है। फिर आता है स्केलिंग। ठीक है, द कश्मीरी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज लाइक 2 फ्लूट्स आर जॉइंट टू ईच अदर। ठीक है, इसकी मैंने इमेज नहीं मिली मुझे, तो इमेज नहीं मैंने इसकी लगाई है। ये स्केलिंग जो है ये किस तरीके से होता है, 2 फ्लूट्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। ठीक है, ये भी कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अगर इस स्लाइड की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला आ जाता है जो सितार है वो 7 स्ट्रिंग्स से जोड़ा जाता है, और इसको कश्मीरी में मजराब भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्केलिंग, जो कि 2 फ्लूट्स जो हैं वो जॉइन किए जाते हैं आपस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा दमान। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज लाइक अ गिटार, ये गिटार की तरह ही होता है। ठीक है, ये गिटार शेप्ड ही होता है बिल्कुल। इसमें 8 स्ट्रिंग्स होते हैं, जैसे जो हमने वो पढ़ा सितार पढ़ा उसमें 7 स्ट्रिंग्स होते हैं, इसमें 8 स्ट्रिंग्स होते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी फेमस इन द नोमैडिक पीपल। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे ये जो नोमैडिक पीपल हैं जो कि कश्मीर में रहते हैं, और ये कश्मीरी तिब्बतन एरिया या फिर कश्मीर के जो नोमैडिक लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द का मतलब होता है साउंड, और म्यां का मतलब होता है स्वीट। ठीक है, ये मार्क किया है मैंने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड में कि द का मतलब जो होता है वो साउंड होता है दमेन में, और उसके बाद म्यान का मतलब होता है स्वीट। ठीक है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे नोमैड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद आता है दहाड़ा। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लाइक अ वेरी लॉन्ग रॉड ऑन द आयरन एंड हैज आयरन एंड ब्रॉन्ज स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसके ऊपर आयरन और ब्रॉन्ज की रिंग्स होती हैं जो कि इसको सपोर्ट करती हैं, और ये जो म्यूजिशियन की हैंड मूवमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, ये आ जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी तुम्बक नारी। ठीक है, तुम्बक नारी जो है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ईस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ओकेजन्स जो होते हैं कश्मीर में उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जाती है, और ये ईरानी मतलब कहते हैं ना जो तुम्बक ईरानी इंस्ट्रूमेंट है उसके भी फीचर्स इसमें माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आ जाता है, ये पूरी की पूरी तुम्बक नारी की मैंने इमेज लगाई है जो कि ईरानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सारंदा, जिसको दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग्ड वन। ये भी स्ट्रिंग्स, ये देखो लगी हुई है इसमें स्ट्रिंग्स वगैरह, जो कि हमारे
हमारी जो सारंगी है सारंगी के साथ रिजेंबल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऐसा कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट है सारंगी उसके साथ रिजेंबल करता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है किसमें, जम्मू रीजन में। तो वो कौन सा आता है, सारंगा म्यूजिक। ठीक है, ये इसकी इमेज आती है, इसको देखो अब ये सारा का सारा किसके साथ, मतलब मैक्सिमम सिमिलर माना जाता है किसके साथ, सारंगी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारा साज़े कश्मीर। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज मेड अप ऑफ वुड हैविंग थ्री मेजर स्ट्रिंग्स। यार इसमें ना स्ट्रिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा ध्यान रखना कि किसकी कितनी स्ट्रिंग्स है। जैसे किसी की 7 स्ट्रिंग्स थी, किसी की 6, अब इसकी जो साज़े कश्मीर आता है इसकी 3 स्ट्रिंग्स होती हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ 2 सेट्स ऑफ स्ट्रिंग्स और विच आर सिमेट्रिक। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एक साइड पे भी 3 स्ट्रिंग्स होंगी तो दूसरी साइड पे भी इसकी स्ट्रिंग्स होंगी। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स के ऊपर ही इस पर क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अगर स्ट्रिंग्स पे डीपली ये जाएंगे तो स्ट्रिंग्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दमान। दिस इंस्ट्रूमेंट इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ कैटल ड्रम्स, ये आता है हमारा। ठीक है, दमान जो है वो कैटल ड्रम से बनता है। ठीक है, विच इज नोन एज मो एंड फो। मो एंड फो, मो का मतलब होता है मेल और फो का मतलब फीमेल। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज होल इनसाइड इट। ठीक है, इसके अंदर होल होता है थ्रू विच वाटर कैन पोर इनसाइड इट एंड क्रिएट्स अ डीप एंड हैवी साउंड। ठीक है, इसके अंदर जब पानी, मतलब पानी पड़ता है तो उसके बाद जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा डीप और हैवी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको, जिसके अंदर होल होता है और उसके अंदर पानी स्पेशली पोर करवाया जाता है ताकि जो साउंड है वो हैवी और काफ़ी ज़्यादा मतलब डीप साउंड आए, तो वो कौन सा आता है, दमाम। ठीक है, अब आ जाता है हमारा इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है किंग। और ये जो किंग इंस्ट्रूमेंट है इट इज़ द मोस्ट फैसिनेटेड फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द जम्मू हैविंग अ लॉन्ग राउंड वुडन बार विद द ग्राउंड रिस्टोरिंग प्लेस वर्टिकली ऑन द किंग। किंग इज प्लेड बाय सिंगिंग फोक सॉन्ग्स इन कर्नक एंड इज बलाड्स हैविंग द रिलीजियस थीम्स। जब रिलीजियस थीम्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा रबाब। ठीक है, रबाब जो है वो ये भी पॉपुलर स्ट्रिंग वाला ही मतलब इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो कि यूज इन द सिंगिंग ऑफ चक्री, जब चक्री का हम यूज़ करते हैं या फिर सूफियाना कलाम यूज़ करते हैं तो उसमें ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, रबाब इज़ प्लेड बाय प्लकिंग स्ट्रिंग्स एंड प्रेसिंग देम एट अ डिफरेंट स्केल्स। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं इनको प्लक किया जाता है, उसके बाद प्ले किया जाता है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साउंड्स वगैरह निकलती हैं। ठीक है, हाँ, लास्ट अपना देखते हैं, लास्ट स्लाइड्स की तरफ देखते हैं जिसमें हमने अदर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करनी है। इसमें उसके बाद जम्मू कश्मीर के जितने भी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बचे हैं, जैसे कि आ गया डप हो गया, डिवांग हो गया, जिंगजम हो गया, फिर उसके बाद ये सैगरा श्याम हो गया, फिर कॉनकन हो गया, ये सारे के सारे हमारे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने उसके बारे में आपको सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, उसके अलावा तो इतना कुछ नहीं डीपली पूछेंगे, लेकिन म्यूजिक फॉर्म्स जो थी उसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी के सारी बता दी गई हैं। उसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी सारे आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अब हम एक क्विक रिकैप लेते हैं जिसमें सारे के सारे हमारा रिवाइज हो जाएगा लेक्चर जितना भी हमने किया है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा था हमने किसके बारे में, चक्री के बारे में। चक्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये जो चक्री जो है रिलीजियस फेज में भी यूज़ की जाती है और फोक में भी यूज़ की जाती है, जो कि कश्मीरी हिंदूज का भी और मुस्लिम्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डांस म्यूजिक फॉर्म बनता है। चक्री की जो सबसे ज़्यादा खासियत है कि ये एंड होती है किसके साथ, रोफ डांस के साथ। ठीक है, जो कि मेहंदी रात वगैरह में बहुत ही ज़्यादा फेमस मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सूफियाना म्यूज़िक, जो कि कश्मीरीज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मतलब क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म मानी जाती है, जिसके अपने ही राग होते हैं। ठीक है, अब ये डांस फॉर्म जो है ना, इस पर मतलब हफीज़ नगमा जो डांस है वो इसी म्यूज़िक फॉर्म पर पेश किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो मौसीकी जो है, ये सूफियाना मौसीकी जो है, ये कहाँ से आई थी, ये आई थी हमारे कंट्री में ईरान से, या फिर हमारे कश्मीर जो है उसमें आई थी ये ईरान से। इसमें बहुत सारे मतलब फेमस ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है अपना किसमें, सूफियाना म्यूज़िक में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बख। बख जो है ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जो कि ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। अब इसी की एक डांस फॉर्म आती है बखन, जिसमें मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ये मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ग्वात्री, जो कि एक ऐसी म्यूज़िक फॉर्म भी है और डांस फॉर्म भी है, जिसमें स्पेशली म्यूज़िक फॉर्म भी ग्वात्री वाले होते हैं और डांस फॉर्म जो होते हैं वो भी ग्वात्री की ही पेश की जाती है। जैसे मैंने बाकी डांस फॉर्म म्यूज़िक फॉर्म्स की बात की तो उसमें डांस फॉर्म्स अलग यूज़ हो रही है, लेकिन इसमें ग्वात्री की ही डांस फॉर्म होगी और ग्वात्री की ही इसमें क्या होगी, म्यूज़िक फॉर्म भी होगी। ठीक है, फिर आ जाता है लाडी शाह।
लाडीजा जो है ये एक सेक्रेट फॉर्म ऑफ सिंगिंग है हमारे कश्मीर की, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है ट्रूथ और ये जो जितना भी मतलब पूरा कंडीशन सोशल कंडीशंस चल रही हैं कश्मीर में या फिर गांव से गांव जाके ये पूरी की पूरी कंडीशंस को देखते हैं और उसी टाइम पे पूरा का पूरा प्ले जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। फिर आती है करक, जिसको परफॉर्म करते हैं कौन, जोगीज परफॉर्म करते हैं, और इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया जाता है, रबाब, ठीक है। फिर लास्ट फिर उसके बाद आ जाता है हब्बा खातून। अब हब्बा खातून को क्या कहा जाता था, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, और इनका जो सॉन्ग्स वगैरह वो किसके ऊपर होता है, किस थीम पे होता है, जब ये सेपरेट हुए थे किससे, किंग यूसुफ से, ठीक है। उसके बाद हंजिया जो है ये कश्मीरी पंडित का म्यूज़िक आता है और ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि एंशियंट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक भी माना जाता है हमारे कश्मीर का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हिंदुस्तानी क्लासिकल। हिंदुस्तानी क्लासिकल जो है वो उसका जिक्र जो है वो निर्मत पुराण और राजा तरंगिणी में भी हुआ है। अब अभिनव गुप्ता की एक बुक थी अभिनव भारती, जिसमें ये पूरा का पूरा जिक्र किया गया है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल के बहुत ज़्यादा ओरिजिन्स हैं कहाँ पर, कश्मीर से, ठीक है। अगर मैं एक मतलब इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूँ संतूर की, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्ले किया जाता था किसके लिए, माता शारदा को खुश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हफीज नगमा के बारे में मैंने आपको बताया, वो एक डांस फॉर्म थी जो कि किसके साथ एसोसिएटेड थी, हमारे सूफियाना म्यूजिक के साथ, ठीक है। फिर सितार की बात की, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 7 स्ट्रिंग्स वाला होता है और इसको मिजराब भी कहते हैं किसमें, कश्मीरी भाषा में, ठीक है। फिर होता है स्केलिंग, ये 2 फ्लूट्स जैसे ज्वाइन होते हैं ना, ये उस तरीके का होता है, ठीक है, 2 फ्लूट्स ज्वाइन होते हैं। फिर उसके बाद दीवान होता है, दा का मतलब होता है साउंड और म्यांग का मतलब होता है स्वीट, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक नोमैडिक पीपल्स जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर दहाड़ा होता है, ये आयरन और ब्रोंज की रिंग्स के साथ इसको मतलब जोड़ा जाता है। फिर होता है तुम्बक नाली, ये जो है ये ईस्टर्न होम्स में भी माना जाता है और ये ईरानी इंस्ट्रूमेंट जो है तुम्बक उसको रिजेंबल करता है, ये इसकी फोटो आ जाती है, ठीक है। फिर आता है सारंदा, जो कि बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है किसके साथ, सारंगी के साथ। फिर आता है साजे कश्मीर, साजे कश्मीर जो है वो वुड से बना होता है, इसमें 2 तरह की स्ट्रिंग्स वगैरह लगी होती हैं। फिर आता है दमांग, जिसके अंदर जिसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है उसके अंदर वाटर को पोर किया जाता है ताकि जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा डीप आए, तो वो कौन सा आता है, दमांग, ठीक है। उसके बाद किंग आ जाता है और रबाब आ जाता है, जो रबाब जो है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारा सूफियाना कलाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है हमारे कश्मीरी म्यूजिक में, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारे अलग से जो कि अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, जैसे चिमटा हो गया, कड़ा हो गया, तली हो गया, ठीक है, हनुस हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो यहां तक हमारे कल्चर की जितनी भी सीरीज थी उसमें जितने भी टॉपिक्स वगैरह आते थे वो सारे के सारे मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो आएगा वो हमारा आएगा MCQs ऑफ कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर है, एक बार इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप जो MCQs वाली सीरीज है उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सको, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।